हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना आप लोग। मैं भी बहुत टाइम बाद ही बोल रही हूँ और बहुत टाइम बाद ये वीडियो आएगी, मुझे लग रहा है ये ब्लॉग आएगा, क्योंकि मैं बीमार चल रही थी। सबको पता है, पता नहीं कितनी बार मैंने इस वीडियो में आप लोग को बता दिया, तो इसलिए मैंने घर पर इनको बुलाया था और घर पर ही आईब्रोज़ कराए थे। बहुत कुछ नहीं कराना था क्योंकि आप सबको पता है करवा चौथ आने वाला है, तो जब करवा चौथ आ जाएगा तब कराएंगे जो भी कराना होगा। अच्छा, और मेरे को ज़रूर बताना अर्बन क्लैब के बारे में कि कैसा है और क्या है। मुझे नहीं पता है उसके बारे में ज़्यादा। आप देख रहे हो आप लोग कितनी ज़्यादा मेरी आईब्रोज आ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा, एकदम भालू टाइप्स हो गई थी और फटाफट बनवाई आईब्रो। अगर मैं वैसे दिखा देती आप लोगों को तो आप लोग खुद ही डर जाते मुझे देख के। मेरा फेस भी बहुत अजीब हो गया और मैं बहुत पतली सी भी हो गई हूँ, है ना। चलो तो देखो आप लोग मेरी वीडियो और एंजॉय करो। बहुत कुछ नहीं बोलूँगी, बस नॉर्मली छोटा सा ऐसी क्लिप शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ मैंने बना ली। वैसे कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, बट फिर भी यहाँ पे मुझे कर रही थी फोरहेड। फोरहेड मैं हमेशा वैक्स से ही कराती हूँ, जो फेस वैक्स होता है, क्योंकि अगर मैं थ्रेड से कराऊँ तो मुझे छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, तो इसीलिए उसके बाद मैंने कराया था हैंड वैक्स, फटाफट किया था। और ये कौन सा वैक्स है ये बता दूँ मैं आप लोगों को, रीका वैक्स है ये, बहुत सही होता है। मतलब ग्रोथ जो होती है वो थोड़े दिन बाद आती है, बाकी अगर कोई कराओ तो जल्दी जल्दी आ जाती है, तो इसीलिए ग्रोथ की वजह से मैं हमेशा रीका ही यूज़ करती हूँ। और इन ये तो वैसे इतना फटाफट से कर रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे आज इनका वर्क। वैक्स करने के बाद एक ऑयल था इनके पास, उन्होंने मुझे ये अप्लाई किया। कौन सा ऑयल था इन्होंने मुझे बताया था, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये इसलिए लगाया जाता है जिससे कि जो रेड रेड रेसेस हो जाते हैं वो ना हो। और यहाँ पे आप लोग देखो मेरे हाथ में क्या हुआ था कि चोट वो लग गई थी, मतलब जो पानी वगैरह वो नहीं होता उसकी वजह से ये ऐसे पूरा ब्लैक हो गया था। और इन्होंने यहाँ पे प्रेशर किया तो इतनी तेज़ पेन हुआ मुझे, बहुत ही अजीब ही हो गया था सब कुछ। पहले भाभी का हो गया था, भाभी ने अपना सब कुछ करवा लिया था, उसके बाद मैं करवाने लग गई थी। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनको 1 घंटा लगा होगा सब कुछ करने में, बहुत टाइम नहीं लगा है, बहुत फटाफट किया है। और भाभी का भी इतना ही लगा होगा, भाभी ने पहले इसलिए करवा लिया था क्योंकि धनुआ का कुछ पता नहीं होता कब रोना स्टार्ट कर दे, तो इसलिए उन्होंने पहले ही करा लिया और बाद में फिर मैंने कराया। तो आप बताइए आपको कैसा लगा हमारा सब कुछ करके। मैम को आती है शर्म। मैं फेस नहीं दिखा सकती। ये फेस नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तो ऐसे ही बता दो आपको अच्छा लगा हमें आ रहे घर आके। आपको बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे? हाँ श्योर। आप लोग भी बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत स्वीट हो। और आप लोगों को पता है हम पहले इनके पार्लर में ही जाते थे, पर मेरी तबीयत ख़राब थी इसीलिए मैंने इनको सिर्फ एक बार कॉल किया है और ये आ गई हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम। तो अभी जा रही हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और टाटा बाय बाय बोल दो सबको। और फिर से मिलना। सो पार्लर वाली जो लड़की थी वो जा चुकी हैं अभी अपने घर, और हो चुके हैं, टाइम हो चुके हैं शाम के 7, क्योंकि जैसे वो गई थी मैं सो गई थी। और लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इन्होंने घर पे क्यों बुलाया, बाहर जाके क्यों नहीं कराया, तो मैं उन्हें बता दूं कि जो मेरी तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। बहुत सारे लोगों को ये बात पता है जो इंस्टाग्राम वगैरह पर मुझे फॉलो करते हैं, और जो नहीं करते उनको बता देती हूँ कि मेरी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से ना मैं यूट्यूब पे रेगुलर थी और ना ही इंस्टाग्राम, कहीं भी रेगुलर नहीं थी मैं। और लेकिन फ़िलहाल मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगी फिर से। और बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, सो अब मैं कैरी ऑन करूँगी, हमेशा ब्लॉग्स अपलोड करूँगी अपने चैनल पे एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं रेगुलर हो जाऊँगी। सो इसीलिए हमने उन्हें घर पे बुलाया था। और ये अर्बन क्लैब के नहीं थे,
नॉर्मली हमारे घर के पास एक पार्लर है, वहाँ हम जाते हैं हमेशा, बट आज नहीं गए, आज उनको घर पे ही बुला लिया क्योंकि मैं बिल्कुल भूत बनी हुई थी, मेरी आईब्रोज भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी एंड बहुत ही अजीब सा फेस हो गया था, तो इसीलिए उनको घर पे बुलाया और वो आ गई, मतलब बहुत अच्छी हैं, एक बार ही कॉल किया एंड वो आ गई, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो किसी किसी से एक दो टाइम में ही क्लोज़ हो जाते हैं, तो थोड़ी सी वो लड़की वैसी हैं। सो वो आ गई, उनका नाम नहीं पता मुझे, मैंने पूछा था पर मैं भूल गई हूँ, बट कोई नहीं, उनका जो भी सैलून वगैरह जो भी है सैलून है उनका मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कौन सा है, जो सेक्टर 100 के हैं वो लोग जा सकते हैं और जो सेक्टर 100 के नहीं हैं वो भी ट्राई करना, कभी आ जाओ विज़िट कर लो क्योंकि बहुत अच्छा वर्क करते हैं वो लोग, और उनको घर पे भी बुलवा सकते हो आप लोग, अगर सेक्टर 100 में हो तो वो आ जाएंगी, आप लोग का जो भी होगा वो कर देंगी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का उनका वर्क, और अर्बन क्लैब से भी मुझे ट्राई करना था बट इनका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो सजेस्ट करना कि मेरे को अर्बन क्लैब भी ट्राई करना चाहिए या नहीं, आप लोग बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम पक्का ट्राई करूँगी। सो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया है, कोई नहीं हम ठीक हो गए, हम फिर से खाएंगे पिएंगे और अच्छा हो जाएंगे, फिर से हमारा फेस ग्लो करेगा थोड़े दिन बाद। तो फाइनली अब हो गई मैं बिल्कुल ठीक और आ गई हूँ मैं वापस आप लोगों के लिए। सो अब हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिस्टर हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, लेट आएंगे आज वो, तो मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय।